बुंदेलखंड के झांसी जिला मुख्यालय से करीब 66 किलोमीटर दूर मौजूद बड़वार झील का मुआयना करने के लिए गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत पहुंचे, जहां उन्होंने बड़वार झील से कल कल कर बह रहे पानी की उन तस्वीरों को देखा और शासन की योजना की उपलब्धियां गिनाई। बुंदेलखंड की तहसील एवं विधानसभा गरोठा, जो कि हमेशा से पिछड़ा और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में माना जाता रहा है, भाजपा सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा पानी की समस्या से जूझ रहे गरोठा विधानसभा के तहसील गरोठा के अंतर्गत आने वाले करीब 70 से 80 गांव सिंचाई एवं पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे थे। सूखी पड़ी बड़वार झील ग्रामीण इलाकों को सींचने का विचार गरोठा विधायक ने बनाया। और पास लेना है देखो, अरे दूर ले जाओ यार, पास तो हम गए ही नहीं रहे, तो दूर करो तुम, पास पास लगे रहे। पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे क्षेत्र के लोगों की पीने की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़वार झील के बारे में शासन स्तर पर जाकर हर साल जनवरी और सन 2018 में झांसी आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़वार झील की घोषणा की और इस बड़वार झील को एक सुंदर झील के रूप में लोगों को देखने को ये मिल रही है। इस बड़वार झील को भरने के लिए परीक्षा की गुरुसराय मुख्य नहर से एक नहर बनाने की योजना बनाई और इसे पोषक नहर का नाम दिया गया। इस पोषक नहर को बनाने के लिए करीब 50 लाख रुपए की लागत से इस पोषक नहर को बनाकर तैयार किया गया, जो करीब 3 वर्ष में बनकर तैयार हुई। इस बड़वार झील से करीब 70 से 80 गांव सिंचित होंगे। आसपास के क्षेत्रीय लोगों के पीने के पानी की समस्या, हर साल सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में पारीछा से गुरसराय मुख्य नहर से बड़वार झील को भरने के लिए बनाई गई पोषक नहर के माध्यम से बड़वार झील को पानी से भर दिया गया। गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने इस बड़वार झील का मौका मुआयना किया। यहाँ बड़वार झील भरने के बाद ओवरफ्लो हो रहा है, जिसका पानी कल कल करता झरने की तरह सफेद रुई की तरह नजर आ रहा है। इस वक्त हम बुंदेलखंड के झांसी जिले में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक बड़वार झील मौजूद है हमारे पास, हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरफ हम चाहेंगे कैमरामैन से बड़वार झील को दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको लगा बता दें कि यह गरोठा विधानसभा का सभा क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत दूसरी बार यहाँ के विधायक बने हैं और उनकी कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर यह बड़वार झील का सौंदर्यीकरण हुआ है, जिसके बाद आज गरोठा विधायक यहाँ पर पहुँचे और मौका का मुआयना भी किया है। हम और भी आपको आगे मिलाएंगे और यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। खास तौर पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गरोठा विधायक की कड़ी मेहनत के बाद इस बड़वार झील को बनाया गया। इस बड़वार
झील को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से चाहेंगे कि इस बड़वाज झील का कितना सुंदर दृश्य है। लगातार गरोटा विधायक की मेहनत के बाद यह पूरा काम हो गया है। हम आगे भी आपको ऐसी कई तस्वीरें दिखाएंगे। गरोटा विधानसभा में लगातार आपको बता दें जवाहर विधायक यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर सौंदर्यीकरण से लेकर सड़कों का जाल बिछाया गया है और लगातार हम ऐसी कई तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि हमारी तरफ यहाँ पर दिखाने की कोशिश। लंबा एक दृश्य है जहाँ पर बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे, आज यहाँ पर जहाँ तक आप नजर पसारेंगे तो सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा और लगातार ऐसे ये तमाम वह काम कर रहे हैं। हम आगे भी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हम आगे आपको और भी दिखाएंगे और गरोटा विधायक जवाहरलाल राजपूत से भी बात करते हैं और उनसे जानकारी चाहते हैं किस प्रकार उनको यह जानकारी मिली और किस प्रकार उन्होंने इस बड़वाज झील को बनाने में मेहनत की और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बुंदेलखंड के झांसी जिले के गरोठा विधानसभा में शासन की यह बड़वार झील सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा। इस बड़वार झील के पास पहाड़ियों के इर्द गिर्द और पानी की कलकल करती आवाज और सुंदर दृश्य देखने के लिए भी लोग आसपास से पहुंचते हैं। जिस क्षेत्र के लोग पीने के पानी के लिए तरसते थे, आज वहां गांव के लोग खेती कर सकेंगे। गरोठा विधायक ने कहा कि आने वाले समय में इसे एक पिकनिक टूरिज्म बनाने के लिए भी कोशिश करेंगे। विधायक जी आज बड़वाज झील पर पहुंचे हैं, क्या कुछ देख पाए यहां पर? तो प्रदेश की योगी जी सरकार के द्वारा किसानों के हित में लगातार 2017 जब से सरकार बनी है, हमें लगता इतिहास के पन्नों में जो बड़वार झील है और इसका लाभ किसानों के लिए कम से कम 70-80 गांव के लिए जो बुंदेलखंड में लोग केवल कल्पना और सूखे खेत किसान के और वो चिल्ला रहे थे बरसों से, चाहे कोई भी सरकार रही कोई भी विधायक बनाओ, लेकिन जब पहली योगी जी की सरकार है जिसने धरातल पर काम किया है और आज हम कह सकते हैं कि योगी जी सरकार के द्वारा 17 से लेकर अभी तक जितना प्रयास हुआ है और वो एक सबसे बड़ा बुंदेलखंड के अंदर एक ऐतिहासिक काम हुआ है। आज़ादी के 70 साल बाद आज हम कह सकते हैं गरोटा विधानसभा के लिए और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, जहां बड़वार झील में पानी भरने के लिए तमाम विधायकों के द्वारा तमाम सरकारों के द्वारा वादे तो किए गए लेकिन कभी पूरा नहीं किया गया, लेकिन जी आज योगी सरकार है और आज हम देख रहे हैं जो बड़वार झील है उफना रही है और इसका पानी निरंतर जिस तरह से परीक्षा डैम से लगातार पानी बेतवा मुख्य नहर में 150 किलोमीटर तक पानी जाता है और लगातार 12 माह पानी जाता है, आज हम कह सकते गरोठा क्षेत्र में उसी तरह का पानी किसानों के खेत में लगातार जाएगा और ये इस मौके पर योगी जी सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और उस सरकार के सिंचाई मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्षेत्रवासियों की ओर से कि वास्तव में ये आज़ादी के बाद हम लोगों के लिए, इस विधानसभा के लिए, झांसी जनपद के लिए, इस बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है जिससे हर किसान के खेत में पानी पहुंच सकता है। विधायक जी इस कितने ग्रामों को सुविधा मिलेगी सिंचाई के लिए? हम आज कह सकते हैं कि बड़वार झील में आज जो लबालब पानी देख रहे हैं उससे कम से कम 70-80 गांव को और हजारों किसानों को लाभ मिलने वाला है और यहाँ का जो अंतिम छोर पर गरोठा, डुमरई, कचीर, हीरानगर जो बसते हैं उनके गाँव को, किसानों को पानी मिलेगा और आज वास्तव में हम कह सकते हैं कि उनकी चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो लगातार उन्हें पानी मिलेगा और जिससे उनके खेतों में फसलें लहलाएंगी और आज उम्मीद कर सकते हैं बुंदेलखंड का।